व मिना नुर जराारतरा और इसी में से हम तुम्हें दोबारा निकाल लेंगे ये वो अल्फाज हैं जो तदफीन के मौके पर कब्र पर जब मट्टी डाल रहे होते हैं तो उस वक्त भी जो है इन, ये अल्फ़ाज़ दोहराए जाते हैं कि मिनहा खलक नाकुम हाथों में मट्टी और अल्लाह सुबहाना ताली की ये बात कि इस मट्टी से हमने तुम्हें तख्लीक़ फरमाया वफीहा नीद इसी में हम तुम्हें लौटा कर लौटा देंगे और वाकई उस वक्त जो है वो मट्टी के नीचे दफन कर दिया जाता है मुर्दा वमिनुर जो कमता रहा था नुखरा और इसी में से हम तुम्हें दोबारा दो 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 उठा कर खड़ा कर लेंगे यानी दोबारा जो है बास बादल मौत तो ये सारी कुछ जो है असल जो तदफीन और का जनाजा इसमें इंसान को अपना अंजाम और आखरत की याद और इन आयात के इन आयात बनात के जरिए से भी वो याद दहानी दोबारा ताज़ा हो जाती है वलगद अर आयातनाकुल्ल फ़क़ व अबा तो हमने दिखाए फिर उनको अपने सारे मोजे तो उसने उनको जुटला दिया और इनकार किया ना माना खाला अजी तनाल तुखर जना अरजनाब सहर कयामूसा और कहने लगा कि क्या तू आया है हमारे पास इसलिए कि निकाल दे हमें हमारे मुल्क से अपने जादू के ज़ोर से एमूसा फ़लानाति कब सहर मिसल ही तो हम भी ज़रूर लाएंगे तेरे पास जादू वैसा ही फ़जालबी ना वबैन का माहा तो मुकर कर हमारे अपने दरमियान एक वादे का वक्त ला नखलिफ हु नहन वला अनंता जिसके हम खिलाफ़ करें और ना तू खिलाफ करना मकान अंसुआ और ये मैदान होना चाहिए बराबरी का काला मदद कुम योम जीना तो फरमाया कि तुम्हारे वादे का दिन है जो उनका कोई जश्न वगैरह का जीनत का दिन था वहीं यु शरण और ये कि जमा हो जाएं लोग दिन चढ़े वक्त यानी जो ज, आ, 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 हमारी नमाज ईद का वक्त है उस उस वक्त जो है दिन चढ़े लोग जमा हो जाएं। फ़तवल्ला फिर आऊन फ़मा आऊ फ़मा का अता तो फिर वापस लौटा फिर फ़िरआउन और उसने जमा किया अपने मकर वे फरेब और शहर का सामान फिर आ गया कला लहमूसा तो कहा उन जादूगरों से मूसा ने वही का जबा तुम्हारा बुरा हो अल्लाह पर झूठ मत घड़ो यानी मेरे को जादू ना समझो फयुस है तकुम बे आजाब के अल्लाह तुम्हें गारद कर देगा आजाब से वक़द कद खा इफ्तरा और नामुराद रहता है जो अफतरा पर दाजी करता है झूठ करता है फतनाजाऊ अमरहुम बैनहुम तो बस वो झगड़ जगर, झगड़ने लगे अपने काम के बारे में व असर नजवा और मख्वी तौर पर उन्होंने मशवरा किया यानी फिरौनी लोग जो थे वह हजू अम के मतलब आपस में झगड़ने लगे कोई कहता कि वाकई ये जादूगर है इसका मुकाबला करना चाहिए और कोई कहता कि यह जादूगर मालूम नहीं होता इससे इसका मुकाबला नहीं करना चाहिए उनका आपस का झगड़ा था फताज़ा उमर बैन नजवा उन्होंने मखफी तौर पर मशवरा किया खालून हाज़ा लसाहिर और फिर वो कहने लगे कि बेशक ये दोनों जादूगर हैं यूरीदान चाहते हैं युख रुम इन और तुम्हें निकाल बाहर करें तुम्हारे अपने तुम्हारे मुल्क से या सरजमीन से बेस रिमा अपने जादू के ज़ोर पर वजहबा बेतरीम और ले जाए या बर्बाद कर दे तुम्हारे बेहतरीन तरीक़े को मिसाली तहजीब को ये जो तुम्हारा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या ज्यू वर्ल्ड ऑर्डर है इसको जो है जो कि हकीकी मानों में उस वक्त भी वो एक सोशल डिसऑर्डर था एक फाइनेशल डिसऑर्डर था एक पॉलिटिकल डिसऑर्डर था इसलिए कि सितम, लोगों का इस्तेहसाल और इंसानों को इंसानों का गुलाम, ये उस वक्त की अल्लाह सुबहाना ये पूरा और उसका कल्चर जो है इसके ज़रिए से बताया कि हर दौर में बातलकूवतें यही कुछ करती रही हैं और उनका भी अंदेशा उनको यही था कि जनाब उनकी जो मिसाली तहजीब और कल्चर है और उनका जो न्यू वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर हक की बात आ गई आज भी बातलकबूतों को उन्होंने इंतहाई जो है वो अपना सोशल डिसऑर्डर, फाइनेशल डिसऑर्डर पोलिटिकल डिसआर्डर खड़ा किया हुआ है और वो चाहते ये हैं कि उनका ये निज़ाम चलता रहें और जब भी हक की बात आएगी अल्लाह के नीम की बात आएगी तो उसके ख़िलाफ़ वो इसी तरीके से अपने जो गया के अपने अंदेशों का भी इजहार करते हैं और इसके ख़िलाफ़ साजिशें भी इसी तरीके से जो है बढ़ चढ़ कर करते हैं और इसमें आप देखें कि उस दौर में भी जो है वो मादा परस्ती और जुल्म सितम इंता अपनी इंतहा पर था और यही हथकंडे आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं वैया जहाबा बेतरी और ले जाएं या बर्बाद कर दें तुम्हारे बेहतरीन तुम्हारी मिस, मिसाली तहजीब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को फाज में कई दकुम सुमा तु सफ़ा तो इत्तफ़ा कर लो अपनी तजवीर पर और आ जाओ फिर सफ़ बांध कर वक़द अफलहमस्त और आज के दिन कामयाब वही रहेगा जो गालिब होगा कालू यामूसा इमान तुल्क़िया तो इस पर वो जादूगर कहने लगे कि अमूसा सलाम क्या तू पेश करेगा वम्मा अन नकून अव्वलमन अल्का या हम ही पहले पेश करें अपने फ़न का मुजाहरे करें मुजाहरा करेंबलू मूसा फरमाया कि तुम ही पेश करो फैज़ा हिबालुहुम हम व ऐसी युयल तो यक़ा यक उनकी रस्सियाँ लाठियाँ मूसा आसमाम को ऐसा मालूम हुआ मिन सहरहिम उनके जादू की वजह से अनहा तसआ कि वह दौड़ नहीं हैं गोया कि ये जो तखैल जादू जो है कुत मतला को मुतासर करता है हकीकत को चेंज नहीं करता और इस हवाले से ये आ, मामला के कुरान के अल्फाज से पता है रस्सियाँ और लाठियाँ हकीकता सांप नहीं बनी थी बल्कि जादू के ज़ोर से ऐसा महसूस होता था कि जैसे नज़रबंदी कर दी जाती है ताहम इसका असर ये ज़रूर होता है कि आर्जी और वक्ती तौर पर देखने वालों पर एक दहशत दारी हो जाती है अगर चीज़ की हकीकत तब्दील ना हो और इससे ये भी पता चलता है कि जादू कितना भी ऊंचे दर्जे का हो वो किसी चीज़ को हकीकत को नहीं बदल सकता इस हवाले से एक मिस्री मुफसर हैं अमामा रशीद रज़ा मिस्री उन उन्होंने तो एक मुख्तलिफ बात जो है वो उन, उनका ख़्याल जाहिर किया है उन्होंने कहा कि असल में उन लोगों ने किया क्या था कि वो जो, जो मैदान था उसके ज़मीन को गर्म किया हुआ था और उसके ऊपर उन्होंने पारा जो है उसको वो अपना वो जो 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 भी उनकी रस्सियाँ वगैरह थी उसके अंदर पारा था तो गर्म ज़मीन के ऊपर जब पारा तो उसके अंदर एक थरथराहट सी ऐसे पैदा होती है कि जैसे लगता है कि जनाब ये रस्सियाँ और लाठियाँ जो है हरकत कर रही हैं वो अल्लाह आलम फाओ जैसा फ़ीन अफ से ही खीफा तो मूसा सलाम ने अपने दिल में खौफी महस... नफ से ही खीफातम मूसा मूसा सलाम ने अपने दिल में खौफ सा महसूस किया कि इन्होंने तो मेरा मेरे जैसा काम कर दिखाया कुल ना तखफ अल्लाह फरमाते हमने कहा कि आप हरगिज खौफ ना कीजिए इन न का अन तला बेशक तू ही गिब रहेगा व अल्किमी का और डाल दे जो तेरे दाहने हाथ में है यानी वो ऐसा तल उमा सनाऊ निगल जाएगा जो कुछ उन्होंने मसनू तौर पर बना रखा है इन नाऊ का यकीन जो जो कुछ उन्होंने बना रखा है वो तो सनत है चाल है जादूगर की वला वलायुफलहाता और जादूगर कभी कामयाब नहीं होता जब भी हक का मुकाबल बनकर आएगा फारो यहाारा तो सच सुच तो गिरा दिए गए जादूगर सजदा में कल यानी बे अख्तियार जो है दिली तौर पर कायर होकर वो सजदे में गिरा दिए गए कलुआ मन्ना बे रब हारून वमूसा और कहने लगे कि हम ईमान ले आए हारून मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर कला अमन तुम लहु कबला धाड़ा कि तुम ईमान ले आयो उस पर इससे पेशर लकुम मैं तुम सबको इजाजत दूँ माँ बदौलत की इजाज़त के बगैर तुमने ये जसारत कैसे की इन न कबीर को मज़ी आलम को मुझसे बेशक वो तो तुम्हारा बड़ा है मूसा जिसने तुम्हें जादू सिखाया तुम तुम्हारी आपस की यह नूरा कुश्ती है तुम भी मिले हो उनके साथ खला उत्त आई दीकुम तो मैं लाजमन कार्ड डालूंगा तुम्हारे हाथ वारकुम और तुम्हारे पाँव में इन उल्टी सिमत से यानी उल्टे सीधे जो है बेतरतीब कार्ड डालूंगा वलूसलबनफी जजोन नखल और मैं ज़रूर तुम्हें सूली दूँगा खजूर के तनों पर वाला तम अशद अज़ाब अब ख़ाह और तुम्हें अनकरीब मालूम हो जाए कि कौन हम में से ज्यादा सख्त और देर पर अजाब देने वाला है यानी फिरौन या अब जो है अल्लाह सुबहाना मुकाबले में वो अपने आप को जो है वो पेश कर रहा है कालूल सला मा जा मिलबैन जादूगर कहने लगे कि हम कभी भी तुझे तरजीह नहीं देंगे उस पर जो हमारे पास वाज रोशन दलीलें आ चुकी हैं वलीफ़ फ़तोरा नाफ़ और ना उस ज़ात पर जिसने हमें तख्लीक़ फ़रमायानि उस अल्लाह पर जिसने पैदा किया हम तुझे कभी तरजीह नहीं देंगे फ़कन तज़ तू कर ले जो कुछ तूने करना है इन नम तकदी हाजिल हयात दुनिया बेशक तू जो कुछ भी फैसला कर सकता है वो सिर्फ इस दुनिया की जिंदगी के बारे में कर सकता है जबकि इन्ना आमन्ना बेरबिना। बेशक हम तो ईमान ले आए अपने रब पर ले फिरा फिर ना ख़त ताकि वो हमारी ख़तें बख्श दे वमा अक रह तना अल मिन सेहर और जो तू ने मजबूर किया हमें जादू करने पर यानी जादू का मुकाबला करने पर वल्लाहु खैरुम व अबका और अल्लाह ही बेहतर और बाकी रहने वाला है देखिए ऊपर उसने कहा था कि अय्युना अशद आजाब अम व अबका तुम्हें मालूम हो जाएगा वाला तमुना मुन्ना अयुना अशद्द अजाब अम्बाबका कि कौन हम में से ज्यादा सख्त और देर पर आजाब देने वाला है फिरौन और अल्लाह उन्होंने जवाब में कहा कि वह खैरुम अल्लाह ही बेहतर भी और असल बका अल्लाह सुबहाना तला को है तुम तो है हो भी जो है फानी आर्जी और ज़ाहिर के इंसान होने के नाते एक नाकिस यानी यहां पर उन्होंने कहा कि तेरे बस में जो कुछ है तू कर ले हमें मालूम है कि तेरा बस सिर्फ इस दुनिया में चल सकता है जबकि हम जिस परवर दिगार पर ईमान लाए हैं उसकी हुक्मरानी तो दुनिया और दोनों जगह पर है मरने के बाद हम तेरी हुक्मरानी या तेरे ऐसम से तो बच जाएंगे क्योंकि जिसम उसे रूह के निकल जाने के बाद तेरा इख्तियार ख़त्म हो जाएगा लेकिन अगर हम अपने रब के ना रहे तो हम मरने के बाद भी रब के इख्तियार से बाहर नहीं निकल सकते अब का बाकी रहने वाला तो सिर्फ़ हमारा रब है वो हमें सख्त अजाब देने पर कादल है रब पर ईमान लेने के बाद रब पर ईमान लाने के बाद एक मोमिन की ज़िंदगी में जो अजीम इनकलाब आना चाहिए और दुनिया की बेसबाती और आखरत की दायमी ज़िंदगी का जिस तरह से यकीन होना चाहिए और फिर इस अकदा पर जो तकलीफ़ें आएँ उन्हें जिस हौसले सब्र और अजम से बर्दा से बर्दाश्त करने चाहिए जादूगर ने इनका इसका एक बेहतरीन नमूना पेश किया ईमान लाने से पह, पहले किस तरह वह फिरौन से इनामात और दुनिया के जाहुद मनसब के तलबगार थे लेकिन ईमान लाने के बाद कोई भी लालच उन्हें मुतजलजिल न कर सका ना कोई तशद्द ना अजाब की धमकियाँ उन्हें ईमान से मुनरफ करने में कामयाब हो सकें तआला हम सबको ऐसा ईमान अता फ़रमाए मजीद जादूगरों ने कहा इन नहू मैयाब बहू मुजरिमन और बेशक बात यह है कि जो आएगा अपने रब के बारगा में मुजरिम की हैसियत से फाइन लहू जहनम तो उसका जहा ठिकाना तो जहन्नम है ला यमू तो फिहा वला यहया याहया वो उसमें मरेगा और ना जिएगा अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे और मर के भी चैन ना पाया तो किधर जाएंगे वाला मामला व वा मैया ती इसके बरस जो आएगा उसकी बारगाह में मोमिन बनकर कद आमिल सलाहत और उसने नकमल किए होंगे फौलाई कल लहमुदारजातल तो ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए बहुत ऊँचे दर्जे हैं जन्नात वदन हमेशा रहने के बाग़ा तजरीन इतना अनहार जिनके नीचे जारी होंगी ख़ालदीन अफीहा वो उनमें हमेशा रहेंगे वजाल का जजाउ मन तजा और ये जजा है बदला है उसके लिए जिसने पाकिजगी अख्तियार कर ली जो अक्सर आला में आता है कद अफल लहमान तजक्का, कामयाब हुआ वो शख्स जिसने पाकिजगी अख्तियार कर ली तो वही बात जो है यहाँ पर गए वज़र रस्म ही वसल्ला जिसने अपने रब का है नाम जो है याद रखा और नमाज अदा की तो ये अल्लाह सुबहाना तमें भी ये कैफियातफ़रमाय आमी वलैना अला मूसा और हमने वही की मूसा की तरफ अन असर बबादी के रातों रात लेकर निकल मेरे बंदों को फदरब लहम तौरी अनफिल बह या बसा और जो आ, उनके लिए रास्ता बना समंदर के लिए बना रास्ता निकाल उनके लिए समंदर में असा खुश्क रास्ता यानी असा को मारकर अल्लाह सुबहना ताली की तरफ से अल्ला के हुम से मूसी ने समंदर पर असा मारा वो जो है उसने रास्ता दे दिया ला ताफ उधर कम वखशा ना तो खौफ कर तो ताकुब का और ना ही डरने का ये जो सूरह आराफ़ में सारी तफसीलें आ चुकी हैं वो यहाँ नहीं दोहराई जा रही फातबा अहम फिर बे जुनूद ही तो ताक़ुब किया उनका फ़िरा ने अपने लश्कर समेत फ़गश यमयम मागश यहम तो ढांप लिया उनको समंदर से जिस चीज़ ने ढांप लिया यानी समुद्र के पानी ने मूसा सलाम और उनके साथी तो सही साल गुजर गए और जब फिराउन उसका लश्कर उनका पीछा करते हुए आए तो उनको पानी ने ढांप लिए यानी या वो उसके अंदर डूब गए वह आज फ़िरा वमा हदा और फिराउन ने अपनी कौम को गुमराह किया और उन्हें सीधा रास्ता नहीं बताया या बनी इसरा जईनाकम अदूब तो ए, जब अल्लाह ने उन्हें निजात दे दी तो फ़रमाया क्या बनी इसराइल कद अनजैना कुमिन कुम हमने तुम्हें निजात दी तुम्हारे दुश्मन से वादना कुम जानब तूरई मन और अवदा किया तुमसे कोह तूर के दाहनी जानब यानी तोरात के नजूल का व नजल ना अली कमन वसलवा और हमने नाजिल फ़रमाया तुम पर मन असलवा कुलू मिन तो ये बात माराजकनाकुम खाओ उन पाकिजा चीज़ों में से जो हमने तुम्हें बतौर रिस्क अता फ़रमाई है वाल और हद से तजावज ना करना यानी यहां पर खाने पीने में भी वो जो इससे पहले हम पढ़ाए कुलू वशरबू वेफु खाओ और पियो लेकिन इसराफ ना करना यहां का वला इसमें हद से आगे ना बढ़ना अलैकुम गजबी वरना उतरेगा तुम पर नाजिल होगा तुम पर मेरा गज़ब गजबी और जिस पर मेरा गजब उतरता है फकद हवा तो वो तो गिरग ही गया बर्बाद हो गया व इन्नी लग्फ़्फ़्फ़्फ़ारन और बेशक मैं बहुत ज़्यादा बख्शने वाला हूँ दूसरा अशर अशर मफ़रत है उसके हवाले से नोट कीजिए अल्लाह ताल ऐसे जैसे कि ये कलाम हमारे हसब हाल और हमें जो है दावत जो और हम और हमारे लिए जो है सारा रनिंग कमेंट्री चल रही है फ़रमाया व इन्नी बेशक मैं बहुत ज़्यादा बख्शने वाला हूँ लिमन उसके लिए शरात जो है गफार उसकी मफफरत का जो मुस्तक बनने के लिए यहाँ चार शरात का जिक्र आता है लेमन ताबा मैं बख्शने वाला हूं उसके लिए जो तोबा कर ले पहली चीज व आमना और ईमान ले आए पता चला कि इंसान जब गुनाह करता है तो हदीस मुबारक में आता है कि उसका ईमान उसके दिल से निकल उसके सर पर मुंडलाता रहता है तोबा करता है तो ईमान कि फिर से उसको असर नौ अब अपने ईमान को ताजा करे वह आमिला सालिहन और अमल करे अच्छा सुमहतदा और वन टाइम अच्छा अमल नहीं फिर हिदायत के रास्ते पर ही चलता चाहे फिर उस हिदायत के रास्ते को ही इख्तियार कर रास्त पर रहे तो उसके लिए अल्लाह ने फरमाया कि मैं बहुत ज्यादा बख्शने वाला हूं तो इस एतबार से ये सारी बातें तोबा तोबा के लघु भी मानी है मुतवजह होना इब्ने माजा की रिवायत है आप सर से फरमाया कि तौबा करने वाला अल्लाह का दोस्त है और गुनाह से तोबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं है और मकफरत इलाही का मुस्तक बनने के लिए जो चार चीज़ें जिनका अभी हमने तस्करा पढ़ा सबसे पहली ये कुफ्र शिरक और गुनाह से तोबा और इस तोबा में भी यानी जो चार शरात इसकी जो पहले भी बयान की गई कि दिली निदामत और शर्मिंदगी दूसरी शर्त है उस गुनाह को मासीत को नाफरमानी को देन एंड देयर फौरी तौर पर छोड़ देना तीसरी शर्त है आइंदा न करने का पक्का और मुसम्म इरादा हो और चौथी शर्त है कि जिसका जो हक मारा है उसे उसका वह हक वापस किया जाए लौटाया जाए या उससे माफ़ कराया जाए तो ये हो गई पहली चीज तोबा दूसरा ईमान और तीसरा अमले सवाले और चौथी बात रास पर चलते रहना यानी इसकामत हत्या के मौत भी ईमान पर ही आए वरना ज़ाहिर बात है कि तौबा ईमान के बाद अगर उसने फिर शिर्क का कुफर का रास्ता इख्तियार कर लिया हती के मौत भी अगर कुफर और शिर्क पर ही आई तो फिर अल्लाह की मफफ़रत का मुस्तक बनने की बजाय उल्टा जो है बंदा अजाब का मुस्क बनता है इसलिए जो है व इन लफ्फ़ारून में बहुत ज़्यादा बख्शने वाला हूँ लेमन ताबा उसको जो तोबा करे वह आमना और ईमान ले आए वामिल साल हन और नेकमल इख्तियार करे महतदा और फिर हिदायत के रास्ते पर गांव जम रहे उसी को जो है का इख्तियारूसा या और यानी अल्लाह के हुक्म से जब मूसा अपने साथियों के साथ तौरात के लिए कोहतूर पर जाने लगे तो शौक में जल्दी आ गए कौम को पीछे छोड़ाए तो अल्लाह ने पूछा क्योंकि पता चला कि खैर के लिए भी जल्दबाजी पसंदीदा नहीं है वमा आज अल कान कौम क्या आया मूसा तूने अपनी कौम से जल्दी क्यों की खाल अला असरी अर्ज किया कि वो भी कायम है आ रहे हैं मेरे पीछे पीछे वह आजिल तो रबिल तरद और ए मेरे रब मैंने तो जल्दी इसलिए की ताकि तू राजी हो जाए खालफ इन्ना ख़दफन्ना कौम कव बा तो फरमायाल् ने कि हमने आज़माइश में डाल दिया तेरी कौम को तेरे बाद वजल्साम और उसे गुमराह कर दिया है उन, उन उनको सामरी ने यह सामरी जो आले फिरौन में से था और बतौर मुनाफिक जो है कौम मूसा में शामिल था शोबाबाज़ किस्म का आदमी था तो उसने उनको गुमराह कर दिया फराज आ मूसा इला में ही गज़बान आशफ़ा तो फिर वापस लौटे मूसा सलाम अपनी कौम की तरफ़ गुस्से में भरे हुए मारे रंज और अफसोस के कलाया कौम और कौम से कहा कहाद कुमरब कुम बदन हसना क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था यानी तो रात के दिन का अफम क्या तो लंबा है यानी तुम पर ज़माना गुजर गया था अम अरब तुम याहमन या तुमने चाहा कि वो हो तुम पर गज़ब मे रब को तुम्हारे रब की तरफ से फलफ तुम्हदी कि तुमने मेरे वादे के खिलाफ किया कॉलुमा अखलफ ना मददा का उन्हों वो कौम कहने लगी कि हमने ख़िलाफ़ नहीं किया तो आपके वादे के वे मल के ना अपने इख्तियार से वला किन्ना मिलना अवज़ारमजीन कौम बल्कि लेकिन लाद दिए गए थे हम पर बोझ जेवरात किबती कौम के ये आल फिरौन की अमानतें जो वो रखते इन्हीं के पास थे तो वो जब जल्दी में वहाँ से निकले हैं तो वो भी साथ ही ले आए आ तो हमने उनको आग में डाल दिया फेंक दिया फ़कजा अली का अमरी और इसी तरीके से सामरी ने भी उनको जो है वो डाल दिया फाखरजू लहुमन जसदू खुबार उन जेवरत को भिघरा कर जो है उसने बना निकाला उनके लिए एक बछड़ा जो महज एक जसद सा था लहू खुआार और उसमें से आवाज आवाज सी आती थी फ़कालु और वो कहने लगा हाजा इलाहुकुम इलाहु मूसा यही है तुम्हारा माबूद और मूसा सलाम का माबूद फनासिया तो मूसा स्लम तो भूल गए हैं और जो कोहितूर पर जो है वो तो चले गए हैं मबूद तो तुम्हारा यहीं पर मौजूद है तो जीनत से जो है वो कौम फ़िरौन कहते हैं कि जेवरात या तो उन्होंने फिरौनीयों से उधार लिए थे या फिरियों ने उनके पास अमानत के तौर पर लिखवाए रखवाए हुए थे बहरहाल इन्हें बोझ कहा गया है क्योंकि चनाचे उन्हें जमा करके उन्होंने एक गड़े में डाल दिया सामरी ने भी जो मुसलमानों के बाद गुमराह फ़िरकों की तरह गुमराह था कुछ डाला और वो मट्टी सी थी जैसा कि आगे जो है वो इसकी वजाहत आ जाएगी फिर उसने तमाम जेवरात को तपा एक तरह का बछड़ा बना लिया कि जिससे हवा के और वो ऐसा उसका जो, जो रुख था हवा के ऐसी ऐसा कि हवा एक साइड से उसके अंदर दाखिल होती और फिर बाहर आने पर उसमें से एक गू की आवाज़ पैदा होती थी इस आवाज से उसने बनी सरैल को गुमराह किया कि मूसा तो गुमराह हो गए कि वल्ला से मिलने को हितूर पर चले गए जबकि तुम्हारा और मूसा सलाम का मबूत तो यही है अफलाम कौला क्या वो देखते नहीं थे कि वो जो जो बछड़ा जो मबूद उन्होंने बनाया है वो उनकी किसी बात का कोई जवाब तक नहीं देता था वला जर्रम वाला नफा और ना ही वो इख्तियार रखता था उन्हें किसी नुकसान पहुंचाने का और ना ही नफ़े का वला का, यानी इसके बावजूद जो है सामरी ने उनकी मत मार दी और उनको उल्टी पट्टी पढ़ा दी वलकत कल हारून कबलू और बेशक कहा था उनसे आ, हारून ने भी इससे पहले या कौमी इनमा फुतिन तुम बेही मूसा तो दूर पर गए हारून आलम मौजूद थे उन्होंने अपनी कौम से कहा इन्नमा फुतिन तुम बेही बेशक तुम फितने में डाल दिए गए हो आजमाश से दो चार किए गए हो इसके जरिए से किसके जरिए से वो बछड़ा अब यहां पर भी अल्लाह सुहाना तला ने देखिए ये कैसी बलीग मिसाल हमारे सामने रखी है आज भी सोना चांदी माल दौलत जेवरात इन्हीं की परस्तिश हो रही है ना जी जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ताइसा आब्दुद्दर दीनारम हलाक हो जाए दिरहम का बंदा और दीनार का बंदा तो ये आज सिर्फ फर्क इतना है कि उन्होंने वो बछड़ा बनाकर प्रस्तिश शुरू की आज वैसे ही रुपए पैसे को जो है वो अपना मबूद समझा जा रहा है उसकी खातर हलाल हराम जायज़ नाजायज सब कुछ छोड़ा हुआ है तो इसको लिए जो है वो अपना ये आजमायश का ज़रिया इन मालकुम व कुम्बलाद कुम फितना बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश का ज़रिया है यहाँ पर ये जो बछड़ा है इसके ज़रिए से हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि या कौमी इन्ना फ़ुतिन तुम बही बेशक तुम इसके ज़रिए से आज़माए गए हो में डाल दिएगा न रब रबुमर रहमान और बेशक तुम्हारा रब तो रहमान है फतनी बस तुम मेरी इतबा करो मेरी भी पैरवी भी करो वो आती है और मेरे हुक्म की इतात करो बरहा आके फीना, मुसा। वो कहने लगे कि हम तो हमेशा इसी की परस्तिश में लगे रहेंगे मौत के फोकर हालत इतकाफ़ में इसी के पास बैठे रहेंगे हत्या आलैना मूसा यहाँ तक लौट कर आए हमारी तरफ मूसा खला या हरून मा मना आका मूसा ने कहा के हरून तुझे किस बात ने रोका इजराई तहम जबकि तूने उन्हें देखा जल्लू व गुमराह हो गए हैं तो अल्लाह तत्नी यानी तूने मेरी इतबा क्यों ना की मेरी पैरवी क्यों ना की अफासी तमरी और क्या तुमने मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की यानी इसका एक मफहूम यह भी है कि अल्लाह तब यानी कि तुम मेरे पीछे क्यों ना आए मुझे बताने के लिए तो खुशबिलहती वाला बिलासी उन्होंने कहा कि मेरे माँ जाए ना पकड़ मेरी दाढ़ी और ना ही मेरा सर गोया लगता है यह है कि मूसा गुस्से की हालत में उनको सर और दाढ़ी से पकड़ कर जो है ये बात कह रहे थे तो जिस पर उन्होंने कहा कि आप मत पकड़िए इन्नी खशी तो अन तकून फर रख्त बई बनी इसराइल तो बेशक मुझे तो अंदेशा था कि तू कहेगा कि तूने तफरका डाल दिया बनी इसराइल के दरमियान वह लम तर खुब कऊली और तूने मेरी बात का ख्याल न रखा और उन पर सख्ती की कलाफम ख़त्मों का ये आशा इसके बाद मूसा सलाम ने पूछा कि तेरा क्या साम्... माजरा है असामरी काला बसुर तो बेमालम यब शुरू तो वो कहने लगा कि मैंने देखी वो बात कि ना देखा था उन लोगों ने जब शुरू ही उसे उन्होंने नहीं देखा था फ़कबस तो रसूल तो मैंने उठा ली एक मुट्ठी जो है वो फरिश्ते के पाँव के नीचे से तो हाँ और फिर मैंने डाल दिया मैंने इसको व क़ज़ाल के सवलत ली नफ़सी और यही बात सुजाद सुझा दी मुझे मेरे नफ्स ने यानी बछड़े में तकवा का तकद्दस डालने के लिए जब्राईल अमीन के घोड़े के पाँव तले की मट्टी जो है वो एक मुठ्ठी उठा ली और उसको जो है उसके अंदर डाल दिया आ, अक्सर जो है मुफसरीन ने इसराज जब्राईलम लिया और मतलब ये बयान किया कि जब्राइल अलैहिस्सलाम के घोड़े को गुजरते हुए सामरी ने देखा और उसके कदमों के नीचे की मट्टी उसने संभाल कर रख ली जिसमें कुछ खरके आदत असरात थे इस मट्टी की मुट्ठी उसने पिघले हुए ज़ेवरात या बशे में डाली तो उसमें से भी एक किस्म की आवाज़ निकलनी शुरू हो गई जो उनके लिए फितने का बायस बनी खाल फब्नकफिल हयात अंतुलिस तो मूसा ने कहा कि दूर हो जा तू बस तेरे लिए जिंदगी भर यह सजा है कि तू कहता रहेगा दुनिया में सजा कि मुझे हाथ ना लगाना ये उसके लिए अब जो सजा का पहलू है यानी उम्र भर यही कहते हैं कि मुझसे दूर रहो मुझे ना छूना इसलिए कि उसे छूने वाला भी छूते ही छूने वाला भी और सामरी भी दोनों बुखार में तेज बुखार में मुबतला हो जाते इसलिए जब यह किसी इंसान को देखता तो फ़ौर चीख उठता कि लासास कि यानी मुझे मत छूना और फिर ये इंसानों की बस्ती से निकल कर जंगल में चला गया जहाँ जानवरों के साथ उसकी ज़िंदगी गुजरी और यूँ इबरत का नमूना बना दिया गया, गया लोगों को गुमराह करने के लिए जो शख्स जितना ज़्यादा हीला फ़न और मकर व फ्रेब इख्तियार करेगा दुनिया और आखिरत में उसकी सज़ा भी उसी हिसाब से शदी तर और नहाय इबरतनाक होगी तो वो कहने लगा कि लामिस मुझे मत छूना व इनला का मददा लन तुखलफा हो और तेरे लिए एक वादा अज़ाब का वक्त है कि वो कभी उसके खिलाफ न होगा वंजुर इला इलाही का और देख तू अपने महबूद की तरफ अल्लाजीज़ल तो ही आकफ़ा वो बछड़ा जिसके पर तू हमेशा एहतिकाफ़ की हालत में बैठा रहता था लन हर्र कन ना हो कि हम उसको ज़रूर जला डालेंगे सुमानन से फ़न न हो फिर और फिर हम लाजमन उसको बखेर देंगे दरिया में उड़ाकर फली फिलयम में नस्फ़ा दरिया में उड़ा कर बखेर देंगे तो ये जो काम है ये इसमें एक मुशाबत जो है यहूद और हनूद की ये आपको नज़र आएगी सबसे पहले अछूत का फ़लसफिला आपको हनूद के अंदर मिलता है कि जिसको अगर जो है वो अछूत जो है उनको छू लिया तो उनकी हर चीज़ जो है वो नापाक हो गई तो ये जो है यहाँ सामरी का जो अंजाम है उसमें भी आपके सामने यही बात आ रही है कि लासाज फिर उसके बाद जो है उनका अपने मुर्दों को जला देना तो यहाँ पर जो है वो बछड़ा जो है उसको जो है अल्लाह सुबहना ताली ने फरमाया कि जिसके जो है तो इसको जला दिया जाएगा और फिर मुर्दे को जलाने के बाद उसकी राख को बखेरना तो ये भी जो है उसको कहा कि उसको हम बखेर देंगे दरियामुश करके तो ये सारे काम जो हैं इससे पता चला कि ये इनका और फिर गाय की प्रस्टिश आपको पता है कि हमने तफसीली वाकया पढ़ा सूरतुलबकर उसका तो नाम ही इसलिए है कि यह भी जो है बछड़े को मबूद एक तो गाय की प्रस्तृष जो है वो अपना उस उस बछड़े को मबूद बनाना ये भी इनके दरमियान कदर मुश्तरक और इसी वजह से इनके यहाँ इनका आपस में बड़ी क्लोज आपको एसोसिएशन भी मिलती है और इनका गठजोड़ हनूद और यहूद का उसकी जो है कुछ उसके शवाहद कुरान मजीद की इन इनायत बबीनात से भी मिलते हैं कि इनके कॉमन इंटरेस्ट और हक के ख़िलाफ़ इनकी साजिशें उसमें इनकी जो मुशतरक आदतें हैं उनका भी किसी दर्जे में तस्करा यहाँ आ गया फ़रमाएकुम इला बेश तुम्हारा मबूद तो कोई और नहीं है सिवाय एक ही मबूद हकी के। उसके कोई मबूद नहीं वसीकुल्लाशन और घेर रखा है उसने हर चीज़ को इल्म से यानी उस हर चीज़ उसके अहात इल्म के अंदर है घेरे में है कजाल का नकुस्सोली का मिन अंबा इमाक़त सबक और इसी तरह से हम बयान करते हैं आपसे वो अहवाल उन कौमों के जो आपसे पहले घो गुज़रे हैं वतना का लदुन्ना ज़िक्रा और हमने अता किया है आपको अपने यहाँ से ये ज़िक्र यानी यह क़ुरान मजीद वो ज़िक्र हसीन रहमत का आमी कहते हैं जिसे कुरान जो दर्श शाहे बता ने दिया हम पढ़ना पढ़ाना भूल गए ये बार बार कुरान के लिए लफ्ज़ जिक्र इससे पहले हम सूरा में भी पढ़ाए इन्ना नहरु नजल व इन्ना लहू लहाफिजून हमने इस ज़िक्र को नाजिल फ़रमाया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं तो वक़द आते ना ज़िक्र हमने तो अता फरमाया अपनी जनाब से तो जो है एक याद दहानी नबी वहाँ आपको एक जिक्र मन आ हो तो जो कोई भी इससे एराज इख्तियार करेगा पहलू तही करेगा फ़िन नहू यल क्यामत विज़रा तो वो उठाएगा क़ियामत के दिन एक बोझ खालदीन अफ़ी है और हमेशा रहेंगे वो लोग वो इस हाल में यानी वही बोझ उठाने के वसा आलहम यौमल के यामत हिमला और कैसा बुरा होगा उनके लिए क्यात के दिन का वो बोझ उठाना यौम फ़ुख सूर जिस दिन के फूंका जाएगा सूर में व ना शुरुलमजरमी योमिन झुर्खा और हम जमा करेंगे मुजरमों को उस दिन कि नीली पड़ी हुई होंगी उनकी आँखें या तकाफतूनू न बीना हम और आपस में चुपके चुपके बात कह रहे होंगे इल्ला, इल्ला अशरा कि तुम तो नहीं ठहरे मगर दस दिन आलम बिमा यक और हम ही खूब जानते हैं जो कुछ वो कह रहे होंगे इस यकूल तरीक जबकि कहेगा उनमें से जो सबसे ज्यादा समझदार मिसाली तौर तरीके वाला होगा इल्ला, इल्ला यौमा तुम तो नहीं ठहरे मगर एक दिन यानी वो इंसान जो है आज भी पीछे मुड़कर देखे तो साहब का सारी उम्र जो है वो एक दिन लगता है कि कल की बात है वही वैसअलू निलजबान और ए नबी ये आपसे पहाड़ों के बारे में पूछते हैं फकुल यहा रबी नसफ़ा कह दीजिएगा कि उड़ा देगा इन्हें मेरा परवरदिगार रेजा रेजा करके का अन सफ सफा और छोड़ देगा ज़मीन को हमवार चटियल साफ़ मैदान ला तरफिया एवजम वाला अमथा कि ना देखेगा तो उसमें कोई कजी और ना उभार ना बुलंदी यानी पहाड़ों की बुलंदी के ख़त्म होने के बाद इसमें ना कोई जो है टेड होगा और ना कोई बुलंदी यो मू और जिस दिन के वो पीछे हो लेंगे पुकारने वाले के और उन, उन, उन जिसके लिए उन, उनके पास कोई इनराफ़ की गुंजाइश नहीं होगी व ख़शातरहमान और दब जाएंगी सब आवाज़ें अल्लाह के सामने फ़ला तस्माओ हमसा और तू नहीं सुन सकेगा मगर एक धीमी सी बिन बनाहट, कदमों की आहट खसर फुसर यह बिन बनाहट। यौम ज़िन ला तनफ़ा शफफ़ा जिस दिन के नफ़ा नहीं देगी सिफ़ारिश अलामन रहमान सिवाय उसके जिसको रहमान इजाज़त देगा व रज़ी कौला और पसंद करेगा उसके बोलने को उसकी बात करने को आलमा वमा खल्फ़ोम अल्लाह ज़ात है जो जानती है जो कुछ उनके सामने है जो इन इंसानों के और जो उनके पीछे है वला इल्मा और ये लोग इहाता नहीं कर सकते उसको इल्म से यानी अल्लाह सुमाना तआला के इल्म कामिल को ये हरगिज़ उसका इहाता नहीं कर सकते हैं यानी ये जो बताया गया कि उस दिन योम दिन ला तनफा उस दिन किसी की सिफारिश किसी को फायदा नहीं पहुँचाएगी सिवाए उनके जिनको रहमान शफात की इजाजत देगा देगामान तो। जिस सवायस के जिसे रहमान इजाजत देगा और वो भी हर किसी की सिफारिश नहीं कर सकेंगे शफात बरहक है दो शर्तों के साथ जिसे रहमान इजाजत दे और जिसके हक में इजाजत दे तो यहां पर भी कि जो है सिर्फ उनको जिनको रहमान शफात की इजाज़त देगा और वो भी सिर्फ़ उनकी सिफारिश कर सकेंगे जिनकी सिफारिश को अल्लाह पसंद फरमाएगा ये कौन लोग होंगे ये सिर्फ अहल तोहेद जिनके हक़ में अल्लाह ताली सिफारिश करने की इजाज़त देगा ये मजमून कुरान मजीद में कई जगह पर बयान हुआ है और इसमें जो असूल बयान किया गया कि इसकी वजह भी बता दी गई है कि चूँकि अल्लाह के सिवा किसी और को किसी के बारे में पूरा इल्म नहीं है कि कौन कितना बड़ा मुजरम है और वो इस बात का मस्तक है भी या नहीं कि उसकी सिफ़ारिश की जा सके इसलिए इस बात का फ़ैसला भी अल्लाह ताला तौ फरमाएगा कि कौन कौन लोग अम्बिया और सुल्ह की सफ़ारिश के मस्क हैं क्योंकि हर शख्स के जनाएं की जनाम की नौयत और कैफ़ियत अल्लाह के जवाब कोई ना जान सकता है और ना जानता है वन तिल्भू लड़कयूम और झुके हुए चेहरे होंगे चेहरे उस दिन हमेशा जिंदा वाइंदा क़ायम रहने वाली हस्ती के सामने वक़द खब अमन हामल मा और नामुराद होगा जो है वह नाकाम और नामुराद हो जाएगा वो जिसने बोझ उठाया होगा ये बोझ उससे पहले हम पढ़ाए हैं कि जिन्होंने अल्लाह के ज़िक्र से मुँह मोड़ा होगा वही है जो बोझ उठाएँगे वहीं व ख़्वाब अमन हमला मा तो नाम नामुराद, नामुराद और नाकाम हो जाएगा जिसने बोझ उठाया होगा शिरक का और जो है वो अल्लाह की नाफरमानी का वह मैं या अमल मना साल और जो कोई करता है नकमल वह वो मिनन और वो हो साहब ईमान फला या खाफ जुल्म वाला हजमा तो उसे तो नहीं कोई कोई डर नहीं होगा ना जो है नासाफ़ी का हक तल्फी का और ना ही जो है वह नासाफ़ी का और ना ही हक के गसब होने का वह क़ा अली का अनजल और इसी तरीके से हमने नाजिल किया है इसे यानी कुरान अरबी बनाकर इस कुरान को अरबी में हमने नाजिल किया है वह सरफ नाफी हैद और हमने मुख्तफ पैरा इस्लूब में अकलो नकल के दलायर के साथ जो है बयान कर दिए हैं इसमें वार्निंग्स और ड्रावे लाल तक ताकि लोग परेजगारी खुदा तरसी अख्तियार कर सकें और युदे ज़िक्र या वो ये क़ुरान पैदा कर दे उनमें गौर फिक्र याद दहानी कि दुनिया में क्यों भेजे गए गफलत से उनको बेदार करने का ज़रिया बन जाए तो यहाँ पर देखिए दोबारा जो है ये बात आ गई कि अल्लाह सुबह तआला ने हमने इसे नाजिल किया है क़रने अरबी बनाकर और इसमें हर किस्म की वार्निंग्स जो है रखी है ताकि लोग इससे तकवा कर सकें या उनके अंदर याद दहानी पैदा हो सके तो इस लिहाज से अपनी नमाजों में क़र मजीद को समझ समझ कर पढ़ने और सुनने और इससे तकवा और परहेजगारी और इससे याद दहानी और नसीहत के अखज़ करने के लिए नागज़िर है कि इसके लिए अपने औकात और सालाहतें फारिग की जाए और जो अल्लाह जो बार बार हमें क़ुर अरबी की तरफ तोज़ो दिला रहा है इस कुरान मजीद को सीखने के लिए दुनिया की खातर हमने बड़े बड़े प्रोफेशन और कैरियर्स के लिए अट्ठारह अठारह बीस बीस साल की पढ़ाई और आजकल करोड़ों रुपए इसके लिए सर्फ़ कर देने उसके मुकाबले में कुरान मजीद की जबान और इसका उसलूब सीखने के लिए नौ महीने का अरसा वो बहुत लंबा अरसा नहीं है आप इसके हवाले से हमारी वेबसाइट को विज़िट करें और उसमें जो है इसके लिए अपनी नीयतें और इरादे इस काम के लिए जिसकी तरफ़ अल्लाह का कुरान हमें बार बार दावत दे रहा है हम उसके लिए अपने आप को फारिग करने के लिए औकात और सलाहियतें अभी से इन बाबरकत जो है सात के अंदर नीयत करे इरादा करे और कोशिश और मेहनत करे फ़तमलिक्हक तो बस बहुत ऊँची शान वाला है अल्लाह वो बादशाह बादशाह की, की वला ताजल बर कुरान और जल्दी ना कीजिए कुरान के पढ़ने के बारे में या कुरान मजीद को हासिल करने के बारे में कबल के वाहतर के पूरी की जाए आपकी तरफ इसकी वही इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना शौक़ था कि जब कुरान नाज़िल होता था तो शराय कयामह भी कहा कि जो है ला तो व्ला तोह ही लसान कलताजल आप अपनी ज़बान मुबारक को हरकत न दीजिए ताकि आप इसको जल्दी से हासिल कर ले इन आलैना जमाु बना बेशक हमारे ज़िम्मे है इसका आप किसी मुबारक में जमा कर देना भी और इसे आपकी ज़बान मुबारक से पढ़ा, पढ़ा देना भी तो यहाँ पर भी जो है इस कुरान मजीद के लिए जल्दी ना कीजिए मिन कबले युद्धा इले का यह वाहि इससे पेशतर के वही की जाए आपकी तरफ ना पूरी की जाए आपकी तरफ वही वकुल और अल्लाह से दुआ करते रहिए रब इल्मा नीमा मेरे परवरदिगार मेरे में इजाफा फरमा वलकद आहिद ना आदम और बेशक हमने ताकीद की हिदायत की थी अहद लिया था आदम आसमाम से मिन कबल इससे पहले यानी हमने उनको ताकीदी हुक्म दिया था और फना सिया लेकिन वो भूल गए वलम नजद लहू आज़मा और हमने नहीं पाया उसके अंदर पुख्ता मजबूत इरादा या अहद पूरे करने का इरादा या अज़म गुनाह यानी मूसा बताया जा रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम से भूल हुई अगरचे उन उनके अंदर एक तो ये पता चला कि अजीमत की किसी दर्जे में कमी थी लेकिन कोई गुनाह का पुख्ता इरादा नहीं था बस एक जो है वो अल्लाह सुबहाना तौ ने बताया कि वो जो रोका गया था कि दरख्त के करीब ना जाना ला तकर हाजिर शहरा था तो उसके हवाले से उनकी जो है निगाहों से ये हुक्म ओजल हो गया वरना हमने उन्हें कोई उनके, उनके अंदर कोई गुनाह के लिए पुख्ता इरादा नहीं पाया था इन अगली नशस्त में फिर वाक़ आदमी दोबारा बयान होगा वाखर दावाना अनहमदल रबीआल